आज निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हुई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने व्यक्ति रूप से एक महत्वपूर्ण पहल की है। लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार, एनीमिया के शिकार, और उसको आज जो 8 अगस्त है राज्य कृमि दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। जो रोटा वायरस है, निश्चित रूप से जो बच्चे डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं और उनका कोई उपचार नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, आज उस वैक्सीन के जरिए हमारे बच्चों को एक नया जीवन मिलेगा और निश्चित रूप से जो मृत्यु दर में भी कमी आएगी, कुपोषण से मुक्ति के लिए भी जो स्वच्छता जरूरी है, भोजन जरूरी है, और उसका भी निश्चित रूप से आज के दिन से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे लाखों बच्चे को लाभ मिलेगा, परिवारों को लाभ मिलेगा। महंगी दवाइयाँ थी, 2000 से लेकर 8000 तक की दवाइयाँ में खर्च आता था दवाओं में, अब निःशुल्क मिल रही है। इसको जन जागरण अभियान के तौर पर लेना चाहिए। पूरे प्रदेश में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, सीमांत जनपद हैं, एक जागरण अभियान, विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो पहल की है भारत सरकार के माध्यम से, उसका निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पर आज भी कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, एनीमिया के शिकार हैं, डायरिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनका कोई उपचार नहीं हो पाता है, तो वहाँ तक हमें पहुँच हमारी स्वास्थ्य विभाग करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।